अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा सर्किट बनाने जा रहे हैं जो जीने की वायरिंग पे इस्तेमाल किया जाता है। जीने के लिए एक लॉन्ग जो जीना होता है, जैसे 3 फ्लोर का घर है उसका लॉन्ग जीना है, तो वहाँ पे एक बल्ब से काम नहीं चलता। एक बल्ब को 2 स्विच से किस तरह कंट्रोल करते हैं उस पर हमने पहले से वीडियो बना रखी है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके लिए हमें 3 2-way स्विच चाहिए होते हैं। 2-way स्विच क्या होते हैं, जिसके 3 टर्मिनल होते हैं। इस तरीके से हमें 3 2-way स्विच चाहिए, 2 बल्ब चाहिए। 2 बल्ब मैंने लगा लिए हैं और उसमें से होल्डर में से 2 2 वायर हमने निकाल ली है। उसके लिए करना ये होता है, मैं सबसे पहले जो उसकी दोनों की एक एक वायर होगी वो इस तरीके से कॉमन कर दूंगा। ये इसका न्यूट्रल हमने कॉमन कर देना है और इसमें हम मेन सप्लाई न्यूट्रल की दे देंगे। अब जो बचे हुए 2 वायर हैं उस पर हमने कनेक्शन करना है। उससे पहले मैं इसकी स्विच की वायरिंग कर लेता हूँ। उसकी वायरिंग करने के लिए हमने इन तीनों के टर्मिनल आपस में इस तरीके से मिला देने और ऊपर वाले, और इसी तरीके से हमने सबसे पहले तीनों नीचे वाले टर्मिनल मिला देने हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके टर्मिनल नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी मैंने आपस में मिला दिए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो हमारे पे ये लैंप की 2 वायर बच जाती हैं वो मैंने एक इसके बीच वाले में लगा देना है, 3 नंबर स्विच के और एक 1st नंबर स्विच के पहले बीच वाले टर्मिनल में लगा देना है। तो दोस्तों, ये इसकी इंटरनल वायरिंग भी हो गई। इसमें हमने 2 वायर भी दोनों बल्ब की कनेक्ट कर दी। ये जो 2 तारें हमने कॉमन करी थी, इसमें डायरेक्टली मैं न्यूट्रल जोड़ देता हूँ। दोस्तों, इनकमिंग न्यूट्रल मैंने इस पर जोड़ दिया है। जो हमारा इनकमिंग फेज़ होगा, ये जो एक बीच वाला स्विच का बीच वाला टर्मिनल बचा है, इनकमिंग फेज़ में इस पर जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने इसको सर्किट को सीधा कर दिया है, सप्लाई भी दे दी है, न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया था और वायरिंग आपने देख लिया। अब होता है क्या है, ये एक लॉन्ग स्टेयर्स के लिए होती है। यहाँ से इंसान एंटर होता है, एक बल्ब ऑन करता है, पहला बल्ब ऑन हो जाता है। जब वो आगे जाता है, पहले बल्ब की ज़रूरत ख़त्म होती है, वो दूसरे स्विच को प्रेस करेगा तो पहला ऑन हो जाएगा और दूसरा वाला ऑन हो जाएगा। उसके बाद उसका इसका भी वर्क जब काम ख़त्म होगा, वो यहाँ से इसको ऑफ करते हुए आगे चले जाएंगे। तो ये था हमारा एक स्टेयर, लॉन्ग स्टेयर केस का एक मैजिकल सर्किट।